जो बच्चे आज की डेट में क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसमें फैशन्स में आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं, हर चीज़ आज की डेट में नीचे अवेलेबल है, ग्लोबली अवेलेबल है, इंडिया का नाम हो गया ग्लोबल में। हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उनकी कॉस्ट रेंज में, उन एक फैशन्स में और ब्लेंडिंग में। जो बच्चे अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए बहुत आपने फ़ायदे की बात है और उनका उनका बिल्कुल दिल खोल के आपने उनका जवाब दिया है। किसी भी यूथ को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, कभी भी मेरे को व्हाट्सएप करके, वी विल गाइड यू एवरीथिंग। नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर आज हम शख्सियत के साथ आए हैं जिस शख्सियत ने अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अपना एक देश विदेशों में अपना एक मुकाम पाया है, जो एक जाना पहचाना नाम है, उनका नाम है अतुल चावला। मैं फिर आपका दोस्त सुखबीर सिंह हुड्डा उस ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ जो आज आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं टेक्सटाइल में और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके भविष्य के बारे में ये अतुल चावला जी से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं और उनकी देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। और अतुल जी, अतुल चावला जी, आपका HNT न्यूज के अंदर स्वागत है। थैंक यू हुड्डा जी, थैंक यू सो मच। अतुल जी, सबसे ये बताएं पहले, क्योंकि ये एक ट्रेड है जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर जो बच्चे BTech करके आते हैं, कुछ फैशन डिजाइनिंग करके आते हैं, इस इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए होते हैं, आप भी खुद अपने आप में एक BTech हैं, आपने कम समय के अंदर US, UK, दुबई इतना बड़ा ब्रांड नेम करा दिया और इतनी क्वालिटी के साथ, आपका जाना पहचाना नाम है, महीने में मतलब आई डोंट नो आपके पास सोने का समय होता है कि नहीं होता है, तो इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बताएं कि बच्चों का फ्यूचर कैसा जो इस लाइन को एज ए कैरियर ऑप्ट कर रहे हैं। सर देखो, फ्यूचर तो बहुत वास्ट है, इसमें बहुत बड़ी लाइन है, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इन दिस सेगमेंट, क्योंकि फैशन है, फैशन हमेशा चेंज होता है, चेंज है, डेवलपमेंट्स मांगता है, डेवलपमेंट है, आपको टेक्निकली जो बच्चा स्ट्रांग होगा वो डेवलपमेंट भी कर पाएगा। अगर आप प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं तो आपका ब्रांड नेम बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है, आप मार्केट में बड़ी अच्छी तरह से धूम मचा के काम कर सकते हो। बट ये है कि आप सिर्फ एक क्रिएटिविटी चाहिए और एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस आपको टाइम के साथ आता है, मेहनत करके आता है। जो बच्चे आज की डेट में क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसमें फैशन्स में आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं, हर चीज़ आज की डेट में नीचे अवेलेबल है, ग्लोबली अवेलेबल है, इंडिया का नाम हो गया ग्लोबल में, ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग में, चाइना, पहले चाइना हब होता था मैन्युफैक्चरिंग का, अब इंडिया हब बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर प्रोडक्शंस में हम जाएं। बट द थिंग इज कि वी हैव टू मैनेज द थिंग्स वेरी प्रॉपरली, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कोविड के पीरियड में जरूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को धक्का लगा, 2 साल खराब हुए, 3 साल खराब हुए, बट इट इज रिगेनिंग एट मच फास्टर पेस, बहुत अच्छी स्पीड पे इंडस्ट्री रिगेन कर रही है, और अगर ऐसे ही चलती रही तो आने वाले 5 साल में इंडिया विल बी द ग्लोबल सप्लायर फॉर टेक्सटाइल्स, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे चीप लेबर इंडिया और बांग्लादेश में, 2 कंट्रीज में ही है, और इंडिया को में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है बांग्लादेश से, तो हर कोई इंडिया को प्रेफर करता है इन चीज़ों के लिए, तो फ्यूचर वाकई में बहुत ब्राइट है, बट मेहनत करने की जरूरत है बच्चों को। बिल्कुल सही कहा अतुल जी आपने, मतलब आपका सीधे सीधे शब्दों में ये है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची इस लाइन को अगर अपना प्रोफेसर बनाना चाहती है तो वो बेझिझक इस लाइन में जाए, इसके अंदर अपार संभावनाएं हैं। अतुल जी, मेरा अपना आगे का आपसे सवाल ये है कि जैसे आपने कम समय में इतनी शार्प और इतनी स्ट्रेट जो ग्रोथ की है, उसके पीछे क्या ऐसा रीजन है? ठीक है, क्वालिटी एक अपनी जगह होती है, आप इतनी बड़ी परिवार से, इतने बड़े ब्रांड नेम फैमिली से भी नहीं आते कि जहाँ पे इंडस्ट्री की भरमार हो, आप फर्स्ट जनरेशन फैमिली है जिसने अपने सेटअप 2-3 प्लांट कर दिया आपने, तो क्या ऐसा आपने मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि इस कंपटीशन के दौर के अंदर किसी को स्टार्टअप को आगे निकलना है, आप भी एक स्टार्टअप में थे, आज आगे ब्रांड नाम बनाया, तो क्या क्या इनपुट देंगे आप? तो सबसे पहले सर जो इनपुट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, सबसे पहले तो आपको एक नए नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे अपनी मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग रखेंगे अपने कस्टमर के साथ, तो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड अपने आप आती रहेगी। सबसे द की रीजन इज कि अपने कस्टमर को प्रायोरिटी दें, जो कस्टमर की डिमांड अगर हम पूरी करते हैं तो अपने आप कस्टमर उसके रिपीट ऑर्डर्स भी लाता है। द ओनली की टू द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज
वॉच योर कस्टमर टू कंप्लीट हिज डिमांड्स, कि कस्टमर एक आइडिया देगा, आपने उस आइडिया को उसको प्रैक्टिकली उस प्रोडक्ट को लेके आना है. और दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट, एक प्रोडक्ट भी कम्पिटिटिव मार्केट है. आज इतने इतने मॉल्स हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट है या हाँ रिलायंस है, ये देखिए ना, ये हाँ इनके प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइजेस बहुत कम है. तो ये सिर्फ उसी में है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर ही चल रहे हैं ये लोग. तो इनके बेसिक सप्लायर्स तो हम जैसे कई लोग हैं, तो हमारा प्रोडक्ट उनका उनके पास इसलिए बिकता है क्योंकि हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उनकी कॉस्ट रेंज में, उन एक सेशंस में और ब्लेंडिंग में, हाँ क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं उस चीज में, तभी प्रोडक्ट अच्छे. कंपटीशन का दौर है, आप कम प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. जैसे आपने बताया कि भाई क्वालिटी कस्टमर की डिमांड, और आपने हमेशा लिखा हुआ देयर इज ओनली वन बॉस दैट इज कस्टमर, ये आपकी फिलॉसफी है. मैं देख रहा हूँ सारे ऑफिस में आपने लिखा हुआ है, इस फिलॉसफी का क्या है थोड़ा सा आप बताइए. बल्कि कस्टमर को तो ये कहा जाता है कस्ट से मर रहा, कस्ट से जो मर रहा है वो दैट इज कॉल्ड कस्टमर. मतलब जो कस्ट से मर रहा है वो कस्टमर है, लेकिन आपने लिखा है कि देयर इज ओनली वन बॉस दैट इज कस्टमर. इसके इस फिलॉसफी के पीछे क्या है सर? हमेशा ही अगर आप कस्टमर को अपना बॉस समझ के चलेंगे तभी आप कामयाब हो सकेंगे. द की रूल फॉर माई सक्सेस इज द कस्टमर इज माई बॉस. क्योंकि आज मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कस्टमर को चाहिए होगा, तभी मेरा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होगा. अगर मैं अपना प्रोडक्ट बना के कस्टमर को बोलूंगा कि तुम ये बेचो, वी आर नॉट दैट बिग कंपनी, वी आर नॉट दैट बिग ब्रांड, कि उसकी मजबूरी होगी हमें माल बेचना. हाँ सर, ये चीज तो कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा. आप उस बड़े ब्रांड में आ चुके सर. द थिंग इज आज हम पहुंचे हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि आज हम पहुंचे भी इसी रूल की वजह से है ना, कि कस्टमर की डिमांड हम पूरी करते आ रहे हैं. जो चीज वो मांगते हैं हम उसमें बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट उस प्राइस टारगेट में बना के देते हैं, तभी कस्टमर हमारे पास रिपीट जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग से. अतुल जी, जैसे आपने पहले डोमेस्टिक मार्केट में बहुत समय लगाया, कुछ साल, 5-7 साल मेरे ख्याल से करीबन, जो मुझे मैंने आपको जो स्टडी किया, आपका जो फीडबैक लिया, फैक्ट्री को स्टडी किया, आपने 5-7 साल 8 साल 10 साल जो भी लगाए हैं डोमेस्टिक मार्केट में, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कि जिस भी स्टार्टअप को, जिस भी एंटरप्रेन्योर को, जिस भी नई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को डोमेस्टिक मार्केट में अपना शेयर लेना है, तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उनके लिए? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर स्पेस इन द मार्केट. क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं. अब आपने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपने एंटर कैसे करना मार्केट में. क्योंकि आज एक नया प्रोडक्ट लेके आप जाते हो किसी दुकानदार के पास, ही विल नॉट इमीडिएटली एक्सेप्ट दैट प्रोडक्ट. उसमें कई नुक्स निकालेगा, कई चीजें करेगा, बट वो है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप उसको बोलो यू ट्राई फॉर स्टार्टिंग में व्हाट वी डिड, कि वी गेव अवर गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कस्टमर, कि आपका माल बिकेगा तो पैसे दीजिएगा, नहीं बिकेगा तो माल वापस दीजिएगा. हाँ स्टार्टिंग में क्या होता है कि कस्टमर दुकानदार का हौसला तभी बढ़ता है उसका, जब माल बिकेगा उसको रिपीट चाहिए होगी, वो अल्टीमेटली उसको अपने पैसा देना ही पड़ेगा. द थिंग वॉज दैट आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2004. तो 2004 से लेके 2022 आज ये 17-18 साल की जर्नी होगी है इस काम में. अभी पिछले 7-8 साल से इंटरनेशनली जा रहे हैं. हाँ तो अतुल जी, ये तो आपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए आपने ट्रिक्स बताई. अब आप जो इंटरनेशनल मार्केट करते हैं, जिसमें आपकी दुबई बहुत बड़ी मार्केट है, साउथ अमेरिका आपकी मार्केट है, यूएस आपकी बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोप आपकी बहुत बड़ी मार्केट है, तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये आपसे विनती है कि आप जरा इंटरनेशनल मार्केट में जो भी स्टार्टअप, जो भी कंपनी, जो भी क्या कहते हैं फैक्ट्री, कोई भी इसके अंदर जाना चाहे इंटरनेशनल मार्केट में, उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, जरा थोड़ा डिटेल में बताएं तो ईजी रहेगा. क्योंकि बार बार ये ना हो कि फिर कमेंट्स में मुझे कॉल करेंगे आपके, आपसे कॉन्टैक्ट, ये मतलब इसको तफ्तीश में बताइएगा कि इंटरनेशनल जाने के लिए, सपोज कल को मैं जाता हूँ, मेरा जानने वाला कोई इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट की रीच पहुँचाना चाहता है, तो क्या चैलेंजेस आएंगी, क्या क्या उसको सावधानी रखनी चाहिए? सर आज की डेट में तो इंटरनेट पे इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंडिया मार्ट हो गया और Alibaba.com है, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट इजीली कैप्चर हो सकती है. आप अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करके वहां से अपने बायर्स को टारगेट कर सकते हैं.
वट वी डिड इन स्टार्टिंग, वी यूज टू गो फॉर दी एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस बहुत लगती हैं, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगाता है और चैम्बर्स बहुत हैं फैशन के, AEPC है, ये सारे आप अपना एक प्रोडक्ट सैंपल्स बनाइए, वहाँ पे एक बूथ लीजिए एग्जीबिशन में, वहाँ पे एग्जीबिट कीजिए अपने प्रोडक्ट्स, बायर्स आएंगे, अपने कमेंट्स देंगे, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट देंगे, आप वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कीजिए, दो इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब, बट अगर आप आपका इंटरेस्ट होगा उसमें तो आपको वो अच्छा भी लगेगा काम करना। विद इन 6 months 1 year यू विल स्टार्ट गेटिंग दी गुड इंक्वायरीज, इंक्वायरीज मेच्योर हो जाती हैं बिजनेस, क्योंकि इंटरनेशनली उनको एक जो कस्टमर आपको इंक्वायरी दे रहा है ही इज वेरी मच जेन्युइन, क्योंकि वो भी अपना टाइम भी नहीं खराब करेगा आप, और वो ये भी नहीं चाहते कि आप अपना टाइम भी खराब करो उनके लिए। हाँ, तो जो बंदा इंटरनेशनल ट्रेड करता है वो जेन्युइन इंक्वायरीज ही लेके आते हैं, वो इंक्वायरीज मेच्योर करना वो जो बंदा सप्लायर है उसके अपने हाथ में है कि कैसे वो मेच्योर करता है, कैसे वो कॉस्टिंग बिठाता है, कैसे वो प्रोडक्ट क्वालिटी बिठाता है, क्या प्रोडक्शन हैं उसमें। वट वी आर डूइंग इज बेसिकली अ प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेस, कि हमारे तो वॉल्यूम्स हैं, आप इस अगर प्रॉपर फैशन में जाएंगे, बुटीक स्टाइल्स में जाएंगे, अगर आप नहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके काम करना चाहते हैं, बुटीक स्टाइल्स में आप एंटर कीजिए, दो दो पाँच पाँच पीस करके नेट पे, नेट बेस्ड है, ईबीए पे माल बेचिए, अमेजोन पे बेचिए, इंटरनेशनली यू आर गोइंग टू डू द बिजनेस, यू आर गोइंग टू गेट दी प्राइजेज ऑल्सो, क्योंकि इंडियन मेड इन इंडिया लेबल की आज की डेट में ब्रांड वैल्यू है। हाँ, इंटरनेशनली जब हम कहते हैं कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, वी गिव द आवर प्रोडक्ट विद द लेबल मेड इन इंडिया ओवर इट, एंड मोर ओवर इट इज मैंडेटरी फ्रॉम इंडिया टू एक्सपोर्ट, या हाँ, सो मेड इन इंडिया लेबल की बहुत बड़ी वैल्यू है, और हम इस लेबल को बढ़ाएं आगे, मिलजुल के बढ़ाएं, एंटरप्रेन्योर्स जो एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में नए आइडियाज, एंटरप्रेन्योर ऑलवेज हैव न्यू आइडियाज, नए 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 आइडियाज जब मार्केट में आते हैं तो अपने आप मार्केट डेवलप हो ही जाती है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट इट इज नॉट दैट टफ कि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर नहीं सकते हैं। अतुल जी, जैसे मैं आपकी ट्रेड को समझ पाया हूँ कि इस ट्रेड को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक बच्चों की मार्केट है, एक फीमेल्स की मार्केट है, एक यूथ की मार्केट है, तो ये तीन है या इसके अलावा भी कोई मार्केट है, और इन तीनों में से ज्यादा स्कोप कौन सी का है, किड्स में है या लेडीज में, फीमेल्स में है या जेंट्स में है? मार्केट तो बहुत वास्ट है, तीन तो आपने ये बेसिक ग्रुप्स बना दिए, अब बच्चों में भी तीन कैटेगरीज आती हैं, बड़ों में भी तीन कैटेगरीज आती हैं, फिर पापा साइजेस आते हैं जैसे 3 to 5 XL साइजेस होते हैं, फैटी साइजेस बोलते हैं हम इनको, जिनको ओवर साइज प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं गारमेंट्स में, और फिर निट्स हैं, वुमन्स हैं, डेनिम्स हैं, लोअर्स हैं, अपर्स हैं, सारी कैटेगरीज अलग अलग हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलरली हम किड्स पे ही चलें या मेंस, बिकता तो हर कुछ, सब कुछ ही बिकता है, आप अपना देखिए कि व्हाट प्रोडक्ट यू कैन इजीली डेवलप अकॉर्डिंग टू योर एरिया, अकॉर्डिंग टू योर, जैसे लुधियाना एक हब है निटिंग, क्या कहता है, क्योंकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, डोमेस्टिक का एक्सपोजर है, 18 साल का एक्सपोजर है, आपकी आपसे आपका माइंडसेट क्या कहता है कि इस ट्रेड के अंदर अभी भी ये अनटैप्ड मार्केट है? अनटैप्ड मार्केट इज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी प्रोडक्ट्स, न्यू बॉर्न बेबी प्रोडक्ट्स में देखिए जब बच्चा पैदा होता है, एक तो हर कोई पैसे भी उसको गिफ्ट भी देता है, उसको बच्चे को बच्चे की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, एवरी 3 months यू हैव टू चेंज द क्लोथ ऑफ द चाइल्ड, तो उसमें जैसे बेबी रॉम्पर्स हो गए, बेबी ब्लैंकेट्स हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, बेबी कैप्स हैं, बेबी सॉक्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर न्यू बॉर्न कैटेगरी, न्यू बॉर्न कैटेगरी में अभी प्लेयर्स भी बहुत कम हैं, तो दैट इज अनटैप्ड मार्केट, अगर आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर द न्यू बॉर्न बेबी प्रोडक्ट्स। अतुल जी, जैसे आज के टाइम एक ट्रेंड चल रहा है, हम अपने बच्चों से देखते हैं, आसपास के सर्कल से देखते हैं कि ऑलमोस्ट 50% जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन चली गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है, इंडस्ट्री के मार्जिन कम हो रहे हैं या इंडस्ट्री की वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब इसको किस रूप में देखते हैं आप? सर देखिए, ऑनलाइन जाना इंडस्ट्री के लिए तो फायदेमंद ही है, दो रिटेल के लिए नहीं है इतना फायदेमंद है, बट अगर डायरेक्ट आप कस्टमर से अपने से को सेलिंग कर रहे हैं, आप एक कम्पिटिटिव प्राइस पे माल बेच सकते हैं, जो कमीशन है प्लेटफॉर्म्स वो लेते हैं, वो इंक्लूड करके भी अगर आप देखें तो भी कस्टमर को भी ये ऑनलाइन माल सस्ता मिलता है, क्वालिटी बेटर ही मिलती है मार्केट से, उसमें ये है कि जो नया एंटरप्रेन्योर है उसके लिए अपना लेबल क्रिएट करना बहुत
थोड़ा इजी है रेगुलर डोमेस्टिक मार्केट में एंटर करने से, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना ज्यादा बेटर है नए एंटरप्रेन्योर के लिए। ऑनलाइन पे अतुल जी मैं आपसे इस पॉइंट पे डिफर करता हूँ, जैसे आप ये कहते हैं कि क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है, क्वालिटी का बहुत सारे लोगों को इश्यू है, अगर आप रिव्यूज देखें, रिव्यूज देखें कि उस बॉक्स में पता नहीं क्या क्या निकलता, ऑर्डर क्या करते हैं आपको निकलता क्या है, ये एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम है अगर आप रिव्यूज देखें तो। सर ये जेन्युइन ये प्रॉब्लम है फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो बंदे ने अपना काम रेगुलर करना है वो बंदा कभी भी क्वालिटी गलत नहीं डालेगा अपने कस्टमर को। आई एम गाइडिंग यू दिस एज कि इंटरप्रेन्योर कोई ऑनलाइन बेचे या ना बेचे, तो इंटरप्रेन्योर अगर आप क्वालिटी अपने वहां पे देते हो ऑनलाइन में अच्छी देते हो, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज भी अच्छे आएंगे, आपके ब्रांड के रिव्यूज भी अच्छे आएंगे, स्लोली एंड स्लोली विद इन वन और टू ईयर योर ब्रांड विल बी क्रिएटेड, वो बहुत अच्छा है। अगर आप अपना नया ब्रांड लेके किसी दुकानदार के पास माल लेके जाते हैं तो आपको एक ब्रांड की प्लेसमेंट मिलनी बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप ईमानदारी से अपना प्रोडक्ट जो आप कॉस्ट ले रहे हो, प्रोडक्ट जो दिखा रहे हो वही दे रहे हो, तो आपको सक्सेस होना ईजी है उसमें। अतुल जी जैसे अब यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का चल रहा है और बहुत सारी टेंशन चल रही है पड़ोस के देशों में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, देखा तेल के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस शूट अप कर गए हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई हैं, कंटेनर के रेट्स बढ़ गए हैं, तो क्या आपकी इंडस्ट्री उससे अफेक्ट नहीं हुई? पहले ही कोविड से मारी हुई थी आपकी इंडस्ट्री, उसके बाद से क्या इंडस्ट्री आपकी हिलेगी ये करने से, आपके मार्जिन स्क्वीज नहीं हो गए? सर मैं आपको पहले ही बताया कि हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट, गारमेंट एक्सपोर्ट में मार्जिन कम है, वॉल्यूम्स हैं। अब कंटेनर फ्रेट बढ़ गया, पॉलिएस्टर के प्राइसेस बढ़ गए, अल्टीमेटली कस्टमर को आज 2 साल बाद समझ आनी शुरू हो गई है कि अब मेरे को महंगा ही लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जरूर इफेक्ट हुआ, फॉर 8 to 9 months हमारा तो ये सिस्टम था कि अगर हमारी प्रोडक्शन 5,000 पीस की है तो वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस 500 पीसेज ऑल्सो। बट मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि इट हैज स्टार्टेड रिगेनिंग द पेस, आज हम 5,000 पीस से 6,000 पीस बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो वी हैव कम टू अराउंड अवर 40-50% कैपेसिटीज। तो आने वाले टाइम में ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू प्रोक्योर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वार, कि अभी आज हम ऑर्डर बुक करते हैं कि कल को रॉ मटेरियल प्राइसेस और ना बढ़ जाएं, क्योंकि जो हमने बुकिंग किया वो तो हमारे को माल देना ही पड़ेगा ना उस रेट पे, वो सबसे बड़ा इशू आ रहा है। हाँ, अनसर्टेनिटी का इशू है बेसिकली यू कैन से। आगे क्या होता था कि आज जो यान के प्राइसेस हैं वो 2-4% ऊपर नीचे होते थे, वो बंदा अपने मार्जिन से कोप अप कर लेता था, बट ये बड़ा बहुत बड़ा इशू है। बट ये इसके बावजूद भी इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, ये तो चलो टेम्परेरी है, आज नहीं तो 6 महीने में और ये भी खत्म, जैसे कोविड का इफेक्ट खत्म हो गया, लोग जनरल हो गए मार्केट में, वैसे ये वॉर्स वगैरह के इश्यूज भी और 5-6 महीने में खत्म हो ही जाएंगे। तो जिसमें फ्यूचर आज अपना कैरियर इस इंडस्ट्री में जो बनाना चाहता है उसकी तो अभी स्टार्टिंग ही है ना इस चीज में। अतुल जी एक चीज और इसके अंदर बड़ी ऑब्जर्व करने वाली बात है, आपके इंडस्ट्री के अंदर फीमेल्स की जो परसेंटेज है, जो जो रेशियो है वो डे बाय डे बढ़ रही है, लड़कियां इसके अंदर बहुत आ रही हैं, बहुत अपना कैरियर बना रही हैं, तो इसके पीछे ऐसा क्या रीजन देख रहे हैं कि भाई फैशन डिजाइनिंग में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, मैं आपकी फैक्ट्री में जैसे देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% या ऑलमोस्ट 50% फीमेल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई हुई हैं, बड़ी बड़ी अच्छी फैशन इंस्टीट्यूट से करके आई हुई हैं, तो क्या इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं कि ये लड़कियों के आगे इनका फ्यूचर कैसा है इस लाइन में? सर लड़कियों का फ्यूचर इस लाइन में बहुत अच्छा है, बिकॉज सबसे पहले हम देखें गर्ल्स इन आर्ट वर्क एंड क्रिएटिविटी दे हैव देयर माइंडसेट। लड़कियों को हम बचपन से ही देखते हैं कि पेंटिंग्स और इन चीज़ों में, आर्ट्स में रुझाव ज़्यादा होता है, और दिस इज़ अ बेसिक लाइन ऑफ आर्ट वर्क। फैशन सेंस जो लड़कियों में आती है, जो लेडीज में आती है, जो कलर मैचिंग्स आती हैं, वो द बॉय इट इज़ वेरी रेयर इन अ बॉय, तो वो चीज़ का डिफरेंस है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर फैशन डिजाइनर्स एज गर्ल्स, क्योंकि एक माइंड क्रिएटिव रहता है, एक फैशन सेंस होती है, फैशन लुक्स होती है सबसे, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है, दिस इज अ सिक्योर्ड इंडस्ट्री। आगे भी तो हम देखते थे ना कि लड़कियों को पहले खिला देते थे कि सिलाई का कोर्स करा दो शादियों में, ताकि हाँ तो वही चीज है। अभी आज हमारे पास जो स्टिचिंग लेबर है उसमें भी 50% लेडीज ही है, क्योंकि एक तो लेडीज का पेस अच्छा है उस चीज में, स्पीड अच्छी है, और
जो भी है एक सिक्योर्ड, आप एज अ लेबर भी अगर वो काम कर रही है इंडस्ट्री में, वो सिक्योर्ड है, आ रही है अपनी मशीन पे बैठ के अपना काम पूरा किया अपने वापस चले गए। कोई हैवी मशीनरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्टिचिंग मशीन ही चलानी है ना। तो दैट इज द बेसिक रीजन द गर्ल्स आर एंटरिंग एंड दे आर फीलिंग दिस सेफ इन दिस इंडस्ट्री। अरे वाह अतुल जी, ये बहुत अच्छा आपने क्या कहते हैं एक ये एक विजनरी बात बताई कि फीमेल्स के लिए इस लाइन के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है और वो है। अच्छा अतुल जी, एक आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है, या आप समझ लीजिए कि उसके अंदर डिपेंडेंसी कह लीजिए, आज माइग्रेटेड लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर वो थोड़ी सी उसमें हलचल हो जाती है तो आपको लाखों करोड़ों के नीचे आ जाते हैं आप, इसके बारे में आपको क्या कहना है? तो वी आर 100% डिपेंडेंट अपॉन माइग्रेटेड लेबर, वी आर 100% डिपेंडेंट ऑन स्किल्ड लेबर। माइग्रेटेड तो ऐसे वी इन पंजाब, पंजाब में से हर यूथ सारा माइग्रेट कर रहा है कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लिए, दे आर नॉट रेडी टू वर्क ओवर हेयर। वहां जाके उनको लगता है कि हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है। सेम एज एज इन यूपी बिहार से जो लोग आ रहे हैं दे आर वर्किंग हेयर, तो उनको लगता है कि यूपी से बेटर अपॉर्चुनिटी हमें ही है, और वाकई यूपी से बेटर अपॉर्चुनिटी हम पंजाब में उनको दे रहे हैं, वेजेस ज्यादा हैं, सब कुछ है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक माई स्किल्ड लेबर के ऊपर, क्योंकि दिस इज गारमेंट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, वी आर 100% डिपेंडेंट अपॉन स्किल्ड लेबर। तो आज हमारा एसेट इंडस्ट्री का लेबर है। तो लेबर हम कहेंगे लोकल, हम वी आर ट्राइंग कि छोटे इंस्टीट्यूट जैसे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग है यहाँ पे गारमेंट एंड स्टिचिंग के, उनके आते हैं लोग, बट थोड़ा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उनमें से वही पॉइंट है कि लड़कियां ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं, लड़के थोड़ा सीरियसली नहीं लेते इस ट्रेड को, जो इसका ड्रॉबैक आज की डेट में यूथ में आ रहा है। टेलरिंग के काम को लड़के हल्का समझते हैं या कुछ है, बट आज की डेट में एक जो फ्रेशर ट्रेनर है टेलर है ही इज अर्निंग अराउंड 25,000 पर मंथ। अतुल जी, जाते जाते अब आपने इतना काफ़ी आपने नॉलेज शेयर किया दर्शकों के साथ, और कुछ जो बच्चे अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए बहुत आपने फ़ायदे की बातें और उनको उनका बिल्कुल दिल खोल के आपने उनका जवाब दिया है। अतुल जी, ये जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा सक्सेस का राज क्या है, पहले आप अपनी सक्सेस का राज बताइए और फिर कुछ टिप्स शेयर कीजिए कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए क्या क्या टिप्स होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सर, सक्सेस का राज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और अपने कस्टमर की बात सुन के उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, यही सक्सेसफुल होने का राज है इस इंडस्ट्री में। आप प्रोडक्ट में डेवलपमेंट दीजिए, प्रोडक्ट अच्छा दीजिए मार्केट में, आप टाइमली ऑर्डर्स अपने पूरे कीजिए, यू विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि ये दिस इज अ चेन, सप्लाई चेन सिस्टम। आज आपने कस्टमर का ऑर्डर बुक किया, उसने आगे अपने कस्टमर का ऑर्डर बुक किया होता है, और आगे रिटेलर ने अपने सीजन को प्लान आउट किया होता है। इस चीज से सारी ब्लॉक चेन होती है। चेन अगर आपकी सप्लाई नहीं जाएगी, आपका होलसेलर खराब होगा, होलसेलर का सेमी होलसेलर खराब होगा, आगे रिटेलर खराब होगा, तो वो अगली बार आपको ऑर्डर लेने में बहुत बड़ी तकलीफ आएगी। तो सबसे पहले आप ऑर्डर उतना लीजिए जितना आप पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ा सक्सेस, अगर आप 10 पीस का ऑर्डर पूरा कर सकते हैं तो 10 का ही लीजिए, लालच में आके 25 पीस का ऑर्डर मत लीजिए, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं ऑर्डर लीजिए, देन यू विल गेट गुड रिपीट, यू विल गेट गुड कस्टमर क्लाइंटेज बेस। अतुल जी, एक दो और जाते जाते आपसे जल्दी शॉर्ट में आपसे जवाब लेना चाहेंगे, क्या आपकी इंडस्ट्री को बैंकिंग सपोर्ट मिलता है, बैंकिंग लोन्स, बैंकिंग फाइनेंस क्या इजीली अवेलेबल है? देखिए, आज की डेट में मुद्रा लोन्स और ये गवर्नमेंट ने जो छोटी स्मॉल लोन स्कीम्स चलाई हैं ये इजीली अवेलेबल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फ्रेशर्स के लिए भी इजीली अवेलेबल है, आप 6 महीने साल काम करके दिखाते हैं अपने बैंकर्स को, आपके बैंक आपको इजीली लोन दे देते हैं। बट वी पीपल प्रेफर टू नॉट टू टेक दी लोन्स। आप जितना पैसा अपना है उससे काम कीजिए। स्टार्टअप पे एक आपने 10-20 लाख रुपए का लोन ले लीजिए, लोन ले लिया उसको काम से चला के उसको उसको ज्यादा बड़ा लोन लेने का इस इंडस्ट्री में फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी वायबिलिटी नहीं आएगी इंटरेस्ट निकालने की। सबसे बड़ा रीजन, कई कई इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज का फेल होने का रीजन ये हो जाता है कि इंटरेस्ट लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि दिस इज सीजनल बिजनेस। अभी जैसे पिछले 2 साल से कोविड आ गया, उसमें कई कंपनीज लोन नहीं उतार पाई अपना, कई कंपनीज गवर्नमेंट ने दो ट्राई टू सपोर्ट, बट स्मॉल इंडस्ट्री को इतनी सपोर्ट मिली नहीं कि वो इस क्राइसिस से बाहर आ सके थी। तो
इंटरेस्ट देने के चक्कर में कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको इंटरेस्ट हर महीने पड़ेगा, आपको बैंक का ब्याज हर महीने चुकाना पड़ेगा, आपके पास बिजनेस आए ना आए, आप उतना पैसा लोन में लीजिए जितना आप इजीली उतार सकें या जो आपका बिजनेस को झेल सके। अतुल जी, जाते जाते आखिरी सवाल, क्या अभी भी आप 3-4 फैक्ट्री चला रहे हैं, इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, क्या अभी भी इंस्पेक्टरी राज की दखलंदाजी है, जैसे लेबर इंस्पेक्टर है, सेल टैक्स वाला है, जीएसटी वाला है, एक्साइज वाला है, इनकम टैक्स वाला है, क्या वो जैसे एक टाइम था कि इंस्पेक्टरी राज हर मालिक को फैक्ट्री चलाने के लिए रोजाना सुबह से शाम तक टेंशन रहती थी कि कोई इंस्पेक्टर ना आ धमके, तो आपका इस बारे में इस टाइम क्या कहना है कि इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट मिली है, क्या छूट मिली है इन चीजों से? नहीं सर, इतना कोई छूट मिली नहीं है। बेसिकली हम तो एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में इतना जीएसटी और इन चीजों का लफड़ा है नहीं, बट डोमेस्टिकली जो हमारे जानकार हैं, हम जितना डोमेस्टिक करते हैं उसमें जीएसटी के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ऑफिसर को लगता है कि मैन्युफैक्चरर हेराफेरी कर रहा है, बट कि एक प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसमें मार्जिन भी पहले ही स्क्वीज आउट है, उसमें अगर इंस्पेक्टरी राज की टैक्सेस भी जोड़ें तो वो तो वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में इतना कुछ नहीं है कि ज्यादा हम सोचेंगे बोलेंगे ज्यादा डंडा है, वो ज्यादा डंडा भी नहीं है, बट विजिलेंस जरूर है उसमें। बट वो चीज जैसे लेबर इंस्पेक्टर से या वो थे, वो पहले तो क्या था, पहले चाइल्ड, एक्साइज वाले आते थे, एक्साइज वाले, हाँ जीएस वाले, लेबर वाले, वेलफेयर वाले, सेल टैक्स वाले, अब उनका आना जाना धमकना रहता है, मतलब उनका आना जाना तो रहता ही है सर इंडस्ट्री में, उनका वो फिक्स लिफाफा हाँ मिलता है उनको। वो देना ही पड़ता सर काम करना तो। हाँ अतुल जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना आपने कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को, हमारे क्या कहते हैं, हमारे दोस्तों को आपने इनलाइटन किया, आपने नॉलेज अपना शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप एक बार और आप ये बता दीजिए कि इस इंडस्ट्री जिस तरीके से एक वो कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा मेरा ये नहीं कहना कि भाई हल्केपन से देखा जाता है, बट थोड़ा सा बैक सीट से देखा जाता है इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री एट पार दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरी ट्रेड के बराबर कैसे आ पाएगी, जैसे इंजीनियरिंग दूसरी ट्रेड है उनके बराबर कैसे, कब स्टेटस ले पाएगी? सर उनके बराबर से देखिए, वो सारी इंडस्ट्रीज हैं आज, कंप्यूटर साइंसेस का युग है, आईटी इंडस्ट्री और हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंपेयर करें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आईटी में एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज भी हैं, एसी में बैठ के काम करना, उन्होंने डेवलपमेंट्स करनी है, बट द थिंग ये इंडस्ट्री है कि आपको मेहनत करके, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको स्किल्ड लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें आप ये देखिए कि आपके एक फैक्ट्री चला रहे हैं, वहां पे आप एक ह्यूमन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आईटी सेक्टर में प्रोडक्शंस आपने करवानी है, और उसको ये वही बोथ बोथ कांट बी कंपेयर्ड विद ईच अदर, बट व्हेन यू आर एज एन एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस करते हैं, अपने अपनी डेवलपमेंट लाते हैं, आपके प्रॉफिट मार्जिन उसमें अच्छे आ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टार्टिंग में 2-4-5 साल मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, बट उसमें उसके रिजल्ट्स आपको लेटर स्टेजेस पे बेटर मिलेंगे सर्विस से। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि जल्दी ही आने वाले समय में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अपना स्टेटस दूसरी ट्रेड के बराबर ले आएगी? बिल्कुल सर, अगर हाई फैशन आइटम्स में जाएंगे तो वो तो आज भी उनके बराबर ही स्टेटस है, तो जो छोटी हाई प्रोडक्शन वैल्यू वैल्यू हाई प्रोडक्शंस वाली इंडस्ट्री है, वो भी आने वाले टाइम में 2-4 साल में जैसे इंटरनेशनल कस्टमर बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो आने वाले टाइम में ये बराबर हो जाएगा उनके स्टेटस। एक जाते जाते एक सवाल जिससे आप उखड़ेंगे नहीं, बहुत सारे, क्योंकि बींग इन लीगल प्रोफेशन, बींग एडवोकेट, लीडिंग एडवोकेट, मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह बहुत सारी कंपनियां, चाहे वो नाइकी वाले हैं, चाहे वो रिबॉक वाले हैं, वो लाइफ स्टाइल वाले हैं, पीटर इंग्लैंड वाले हैं, वो बहुत सारी जगह रेड मरवाते हैं, उनके फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी दुनिया भर के बिकते हैं, वो आज के टाइम डॉक कनेरी, मतलब आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक वो बड़े बड़े गुच्ची दे के पता नहीं क्या क्या डाल के पहनते हैं, क्या ये आपकी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गलत इंडिकेशन नहीं जा रहा है जो अनइथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर लोग क्या है कि आज की डेट में शॉर्टकट लगाना चाहते हैं, शॉर्टकट लगा के लोग कहते हैं कि आज हमने ये माल बनाया, हमने उसके ऊपर नाइकी का लेबल लगा दिया और नाइकी हमने डुप्लीकेट मार्केट में बेच लिया,
बट आने वाले टाइम में अब क्या है कि हर कंज्यूमर को पता लग गया कि डुप्लीकेट क्या है और ओरिजिनल क्या है। आने वाले दिनों में और 2-4-5 साल में वो धीरे धीरे वो इंडस्ट्री खत्म होगी। ये इंडस्ट्री आज से 5 साल पहले बूम होना शुरू हुई थी डुप्लीकेट की, बट आज की डेट में इतनी ज्यादा फैल गई थी कि हर 100 रुपए पीस के ऊपर भी आप देखते हो कि नाइकी का लेबल लगा होता कई बार। तो वो सारी चीजें बंद हो रही हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि कस्टमर लेना नहीं पसंद कर रहा। हर एक को पता है कि आज नाइकी मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ या ओरिजिनल ले रहा हूँ, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ। तो उस वजह से ये इंडस्ट्री कम हो जाएगी आने वाले आप 3-4 साल में देखेंगे, ये अपने आप ही कम हो जाएगा काम। तो आपका ये मानना है कि ये जो डुप्लीकेट और जो जैसे जाके पूछते भैया ओरिजिनल है ना शूज, जैसे वो आपके वो जितने भी कपड़े या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो सबसे पहले भैया ओरिजिनल है कि नहीं है, तो उस तरीके से। तो अतुल जी थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और आपने अपने बहुमूल्य आपने कीमती वक्त में से समय निकाल के और हमारे दर्शकों को जो नॉलेज शेयर किया इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका सर, थैंक यू सो मच हुड्डा जी। अतुल जी बहुत सारे इसमें कुछ लोगों के कमेंट्स भी आएंगे, सवाल भी आएंगे, कुछ हमें भी पूछेंगे, कोई इससे सलाह करना चाहेंगे, कोई आपसे टाई अप करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप किसी का मोबाइल नंबर दे दें और नाम दे दें सो देट हम उस पर स्क्रोल कर दें, अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है वो हमें करने की बजाय सीधा आपको कॉन्टेक्ट कर ले। सर कोई भी आपको इंक्वायरीज हो कुछ भी हो आप मेरा डायरेक्ट मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9878688705। किसी भी यूथ को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए कभी भी मेरे को व्हाट्सएप करके वी विल गाइड यू एवरीथिंग। कोई उसमें संकोच करने की बात नहीं है, कोई भी इंक्वायरीज हैं आप कभी भी सलाह कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू अतुल चावला साहब, ये थे अतुल चावला जी जिन्होंने एक अपनी बहुत ही एक छोटी उम्र के अंदर इतना बड़ा नाम और पहचान बनाई है, जिनको आज देश विदेशों में जाना जाता है, जिनसे समय लेना भी आज के टाइम बहुत एक मुश्किल काम है। आज उन्होंने अपने कीमती समय में से और अपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आज हमारे को जो नॉलेज शेयर किया है इनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और इनके बाद कुछ समय के बाद जो भी सवाल आएंगे फिर हम अतुल चावला जी के पास आएंगे और फिर इसी धड़के के साथ इनसे जिस धड़के से इन्होंने जवाब दिए हैं इसी धड़के से फिर इनसे दोबारा जवाब लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।